ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, फंक्शन इज गिवन एफ एक्स, एफ एक्स ए एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस वन इफ x is smaller than and equal 3. f is smaller than and equal 3. And second, bx plus 3, bx plus 3 if x is greater than 3. Is continuous at x equal to 3. It is given. It is continuous at x इक्वल टू 3. मीन्स ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन a एंड b. ओके, कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है. यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने बताया था आपको तरीका, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3. ठीक है, सो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, एट x इक्वल टू 3 फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट. तो व्हाट इज द फॉर्मेशन, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव साइन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f 3 minus h. This is the formation of left hand limit. अब यहां पे हम क्या करेंगे, 3 minus h, 3 में से कुछ subtract हो गया, 3 में से कुछ subtract हो गया तो कहां पे, यहां पे. ओके, 3 में से कुछ subtract हो गया तो यहां पे जो हमारा ये first function है, क्योंकि यहां पे x is smaller than and equal 3 है. क्लियर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 a x की जगह रखेंगे 3 माइनस h प्लस 1. क्लियर ना, a 3 माइनस h प्लस 1. तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3a माइनस a h प्लस 1. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ h. तो ये आ जाएगा 3a माइनस a इंटू 0 प्लस 1. तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3a प्लस 1. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 फंक्शन राइट हैंड लिमिट, फंक्शन राइट हैंड लिमिट. नाउ वी विल राइट द फॉर्मेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव साइन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस h, एफ 3 प्लस h. नो डाउट, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो 3 प्लस h, वी विल रीड द फंक्शन 3 प्लस x, h means x is greater than 3, x is greater than 3, तो we will read this function, second function, क्योंकि यहां पे ही x greater than 3 है, और जब मैं यहां पे 3 plus h करूंगा, मतलब 3 में कुछ add करूंगा, तो ये यहां पे आएगा. Is that clear? Clear ना? ठीक, तो यहां पे start करेंगे limit, h tends to 0, ये हो जाएगा b 3 plus h प्लस 3, तो इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 3b प्लस 3bh और ये प्लस 3. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ h, तो ये आ जाएगा 3b प्लस b इंटू 0 प्लस 3. तो राइट हैंड लिमिट विल बी 3b प्लस 3. Now function value.
एन एक्स इक्वल टू दी थ्री एफ थ्री विल बी, यहां पे इक्वल है ना तो इसी को रीड करेंगे, एफ थ्री विल बी थ्री ए प्लस वन। यहां पे x की जगह हम क्या रखेंगे, तब यहां पे x की जगह रखेंगे हम 3, तो ये बन जाएगा 3a plus 1 equal to b, क्योंकि यहां पे equal का साइन है। क्लियर ना? Now, because it is continuous function at x equal to 3, तो we will put x equal left hand limit equal to right hand limit equal to f3 equal to f थ्री। सो यहां तक कर लीजिए बेटा, मैं इसको यहां से मिटा के फिट करके दिखाऊंगा आपको। वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ओके ये नोट कर लीजिए। इतना हमारे पास अभी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ थ्री। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास ये है, और एफ थ्री हमारे पास ये है। तो मैंने तीनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वल रखूंगा। ओके ठीक है, यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखना बेटा, थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री इक्वल टू थ्री ए प्लस वन। तो ये दोनों तो सेम है, हम इन दोनों को ही ले लेते हैं। यहां से 3a plus 1 equal to 3b plus 3, तो ये आ जाएगा 3a minus 3b equal to 3 minus 1, तो it will be 3 common a minus b equal to 2, so a minus b equal to 2 upon 3, तो what is the value of a, a equal to b plus 2 upon 3, this is the relation between a and b। ये हमें find करना था, हमें find करना था relation between a and b, तो this is the relation between a and b। clear ना? कोई doubt हो तो पूछो बेटा। आपको पता है ना कि अगर continuous function है, हमें left hand limit equal to right hand limit equal to function की value रखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे 3a प्लस 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 आई, और फंक्शन वैल्यू f3 की वैल्यू 3a प्लस 1। मैंने क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस गिवन था तो तीनों की तीनों वैल्यू बराबर रखी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, तो यहां से मुझे ये 3a प्लस 1, 3b प्लस 3, 3a प्लस 1 ये दोनों सेम है। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों को लिया, यहां से इसको इधर लाके 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 मैंने कॉमन लिया, a माइनस b इक्वल टू 2, तो a माइनस b इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो a की वैल्यू आ गई b प्लस 2 अपॉन 3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके कोई प्रॉब्लम, लिख लीजिए बेटा इसको।